डीपी महाविद्यालय में कॉलेज के संस्थापक डीपी यादव द्वारा कॉलेज में स्थित 120 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपल्स वॉइस। बदायूं जिले के कस्बा सहसवान स्थित डीपी महाविद्यालय में कॉलेज के संस्थापक सहसवान के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय परिवर्तन दल के मुखिया डीपी यादव द्वारा कॉलेज में स्थित 120 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। ज्ञात हो कि ये तिरंगा जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा है। लोग तिरंगे को देखकर गर्व से फूले नहीं समाते और तस्वीरें लेने से स्वयं को रोक नहीं पाते। आज जिले के सभी कस्बों में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम एवं 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुबह से ही कॉलेज का स्टाफ और कॉलेज के छात्र कॉलेज के संस्थापक डीपी यादव की प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्वजारोहण का समय सुबह 9:30 का तय था, किंतु डीपी यादव देर से लगभग 11 बजे कॉलेज पहुंचे। उसके बाद सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद छात्राओं ने देशभक्ति के गीत गाए और सबसे अंत में डीपी यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया और उन्हें देशभक्ति की अलख जलाने को प्रेरित किया। संबोधन के बाद डीपी यादव कॉलेज से निकल गए। उनके बाहर निकलते ही छात्र और युवा उनके साथ सेल्फी लेने लगे और डीपी यादव ने भी सबके साथ रुककर तस्वीरें खींचवाई। गाड़ी में बैठने से पहले हमारे सहयोगी ने उनसे कुछ सवाल किए। सभी सवालों का उन्होंने वहीं खड़े खड़े जवाब दिया और बताया कि छात्रों और छात्राओं को लेकर भविष्य में उनकी मंशा और योजना क्या है। जी। और आपको आजादी के सुपर उत्सव के बारे में बताया होगा। मैंने ये दिन हमारी आपकी जिंदगी में कितनी परेशानी कितने बलिदानों के बाद आया, इस बात को आप आपको भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मैंने देश के हजारों और आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो सुबह, माँ जी बन करो सुबह।
कार्यक्रम जो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। ये दिन अनमोल है, इससे बड़ा दिन हमारे मुल्क की जिंदगी में नहीं है। और इस दिन को पाने के लिए लोगों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, और अंग्रेजों के अत्याचार सहे, उन सबको सह कर के भी वो लोग ना घबराए, ना पीछे हटे और ना ही डर करके भागे। तो इस तरीके से ये आज़ादी का दिन इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी में आया। उसे सुरक्षित रखना है, उसे ताकत देनी है, तिरंगे झंडे को फहराते रहना है जब तक भी जान में जान है और जब तक भी हम हैं। ये झंडा फहराते रहना चाहिए और ये झंडा ऊंचा रहना चाहिए। मंत्री जी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के आप संस्थापक हैं, और अब तक के अगर इतिहास में हम नज़र डालें तो जिस तरह का इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, उसका जो है वो विपक्ष भी साथ में है, सरकार भी साथ में है। आप राष्ट्रीय परिवर्तन दल के मुखिया के तौर पर क्या देखते हैं जिस तरह से इस वक्त हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? सारा देश साथ है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बकौल आपके कि पूरे देश के तमाम लोग साथ हैं, तो ये तो खुशी की बात है। मेरा मकसद बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैंने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और उसे लड़ता रहूँगा और उन्हें इंसाफ दिलाता रहूँगा। जितनी भी मुझमें ताकत है उस अभियान के लिए मैं पूरी ताकत के साथ इन तमाम गरीबों के साथ। डीपी यादव, अभी हम आए आपके महाविद्यालय में आए और 120 फुट ऊंचा झंडा देखा और बड़ा सीना गर्व से चौड़ा हो गया झंडे को देख के। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अरे प्रेरणा हमेशा, हम एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनसे प्रेरणा मिली हमको कि आज़ादी को सुरक्षित कैसे रखा जाता है और आज़ादी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसी की प्रेरणा को लेकर आज ये झंडा जो इतना ऊंचा है, लहरा भी रहा है, ये आपके सामने है। और ये झंडा हमेशा लहराता रहेगा, इसे हम ताकत देते रहेंगे, समझे नहीं। और इसी अभियान में हम, हमारा दल राष्ट्रीय परिवर्तन दल, हमारे तमाम साथी जुटे हुए हैं। और तमाम नौजवानों से मेरी यही अपील रहती है कि अपनी अच्छाई के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ और दलाली की राजनीति के खिलाफ ये अभियान चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत। इसी तरह की और भी खबरें व ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें। चैनल की बेहतरी के लिए आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें कि हम और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं।